Hello children, good morning. Now we have completed math the following and identified the parts of body in our previous class. Now we will do answer the following related to chapter number 4, my body. We will do question answers. Okay, so please pay attention on the board, how I am writing and how I am pronouncing. Samajhna hai fir hi likhna hai. I will send you the PDF right now. Pay attention on the blackboard. Question number 1. Name the body part having the skull and the Now, what the question is saying, name the body part. वो कौन सा body का part है? Having the skull and the face. We had done previously, जब मैंने explain किया था, skull और face किसका part होता है? Yes, the answer is, the skull and the face is the part of H-E-A-D, head. Okay? Name the body part having the skull and the face. Answer is H-E-A-D, head. Now another question, question number 2. How many fingers? How many fingers? F-I-N-G-E-R-S, fingers are there. हो रहा है, सो हम लिखेंगे H A N D.
S, hands, help us to write. Okay, यहाँ पे आप H and D as hands use करेंगे. Hands help us to write. Okay, then what will be the another question? Pay attention. Which part of our body help us to walk? Right now you stand up और आप अपने उस साइड वाले एरिया में चलो. आप किसकी हेल्प ले रहे हो चलने के लिए, वॉक करने के लिए किसकी हेल्प ले रहे हो? यस, यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ लेग्स, LEGS, लेग्स. लेग्स हेल्प अस टू वॉक, चलने के लिए हमारे पैर हमको हेल्प करते हैं. लेग्स हेल्प अस टू वॉक, इजी है ना? ओके, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस टू स्मेल food? Now what question is saying? Which part of our body help us to smell food? Food जब बनता है हम खाते हैं तो उसका smell आता है अच्छा वाला, तो हम किस part से हम smell करते हैं? हाथ से, leg से? नहीं. For example, अब बच्चों के मुंह पे smile आ जाएगी. कभी भी घर में मैगी बनती होती है और आपको पता भी नहीं होता है कि मैगी बन रही है, बट जैसे इसकी स्मेल आने लगती है तो आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो कि यस मम्मा आज मैगी बन रही है क्या, तो आपको स्मेल कहाँ से आती है? सो दिस एग्जांपल स्मेल विद आवर नोज, हमको नोज की हेल्प से स्मेल करना आता है. ठीक है, ये हमारा एक सेंस है जिससे हम स्मेल करते हैं. ठीक है, नोज इज दैट पार्ट विच हेल्प us to smell food. Okay, what question says? Which part of our body help us to smell food? Nose help us to smell food. And yes, the example which I gave you about Maggie, Maggie khana achhi baat nahi hai, please don't do that. Eat healthy food, avoid the junk food. Okay, और सब्जियों में भी अच्छी स्मेल होती है, वो स्मेल करके खाया करो. ओके बच्चा, नाउ शैल वी रिवाइज व्हाट वी डिड? वी डिड आंसर द फॉलोइंग. नेम द बॉडी पार्ट हैविंग द स्कल एंड द फेस. हेड का आंसर है. ओके, हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर इन ए हैंड? इन ए हैंड कितनी फिंगर्स हैं? देयर आर 5 फिंगर्स इन ए हैंड. आप बोलोगे फर्स्ट टाइम में इतने बड़े बड़े सेंटेंस कैसे लर्न करें? नो नीड टू टेक टेंशन बेटा, क्वेश्चन में से हमारा आंसर इटसेल्फ बन जाता है. बट द मेन आंसर इज 5 फिंगर्स, तो हमको ये याद रखना है. और एग्जाम में खाली 5 फिंगर्स लिखोगे आई विल नॉट गिव फुल मार्क्स, यू हैव टू राइट फुल सेंटेंस. ओके, एंड यू हैव टू पुट फुल स्टॉप आल्सो. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस टू राइट? हैंड्स हेल्प अस टू राइट, अपने हाथों से लिखते हैं. ओके, व्हिच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस टू वॉक? चलने के लिए हम कौन सा पार्ट यूज करते हैं? व्हिच हेल्प करता है बॉडी का पार्ट? लेग्स हेल्प अस टू वॉक, फुल स्टॉप. लास्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस टू स्मेल फूड? हम फूड की स्मेल या कोई भी स्मेल हमारे को किससे आती है? नोज से आती है. नोज हेल्प अस टू स्मेल फूड. सो प्लीज राइट दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक एंड आई विल सेंड यू द पीडीएफ ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर. कीप प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग.